यह वैकल्पिक विषय बहुत से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों द्वारा ऑप्ट किया जाता है और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स के द्वारा वह अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं गोविंद आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर यहां पर आया हूं। बहुत ही जल्द प्लूटस आईएएस हिंदी माध्यम के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय का बैच शुरू करने जा रहा है, जहां हम इस विषय से संबंधित जानकारियों को ना सिर्फ जानने का प्रयास करेंगे, वस्तुतः मेरा यह प्रयास रहेगा आप इस विषय को सीख पाए। और इतिहास वैकल्पिक विषय हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के बीच में वर्षों से अपनी महत्ता को बनाए रखे हुए है। यह वैकल्पिक विषय बहुत से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों द्वारा ऑप्ट किया जाता है और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स के द्वारा वह अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं। इस विषय के अध्ययन को करते हुए हम महत्वपूर्ण रूप से इसके जो प्रश्न पत्र के खंड हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और दोनों प्रश्न पत्रों के आधार पर इस विषय को गूढ़ता से समझने का प्रयास करेंगे। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस विषय को समझेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद हम इस विषय के कठिन से कठिन प्रश्नों को बड़ी आसानी से समझ सकें और सॉल्व कर पाएं, और इसके बाद हमारा प्रयास यह हो कि बेहतर अंकों के साथ हम मुख्य परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस विषय में कुल प्रश्न पत्र कितने हैं और उन प्रश्न पत्रों के आधार पर हमें किन किन खंडों को तैयार इस वैकल्पिक विषय में करना होता है। अगर हम इतिहास वैकल्पिक विषय की बात करें तो यहां पर हमारे पास दो प्रश्न पत्र होते हैं, जहां पर प्रश्न पत्र संख्या एक में आपसे जो खंड पूछे जाते हैं वह सामान्यतः प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास होते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड इस प्रश्न पत्र के, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन खंडों के आधार पर ये प्रश्न पत्र एक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग भी होगा आपके लिए। आप समझ पाएंगे कि भारत के इतिहास की यात्रा क्या रही है, चाहे वह वैदिक काल हो, चाहे वह हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं हो, चाहे बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव हो। वैदिक काल और को अगर देखें तो प्रारंभिक वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक महिलाओं की जो स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन आया, वर्ण व्यवस्था क्या थी, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर तुर्कों का आक्रमण और भारत में किस प्रकार से वह मुगल सल्तनत और समस्त मुगल बादशाह, जिसमें अकबर का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, और औरंगजेब के बाद वह गिरती हुई स्थिति भारत में, जहां से मुगल काल का पतन शुरू हुआ औरंगजेब के बाद, और फिर आप ब्रिटिशों का आगमन देखेंगे। और इसके साथ हम प्रश्न पत्र दो के स्तर पर अगर बात करें तो यहां आपको विश्व इतिहास, ये मैंने पहले लिखा है उसका कारण है, और आधुनिक भारत का इतिहास, अध्ययन करना होगा। वास्तविकता में कला और संस्कृति इसी के साथ जुड़कर चलती है, तो प्रश्न पत्र के साथ साथ उसके खंडों के साथ साथ उस समय की कला और संस्कृति को भी हम समझते चलेंगे कि सभ्यता और संस्कृति वह क्या मूलभूत विषय वस्तुएं हैं, सभ्यता में मूर्त या अमूर्त जो तत्व हैं वह कैसे कार्य करते हैं, फिर चाहे वास्तुकला और स्तंभ कला जो भी है, जितने भी तत्व हैं उनको साथ में ही कैरी ऑन करके चलेंगे, ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उस समय के साथ आप उस समय की कला संस्कृति को जोड़ सके, फिर वह चाहे मुगल काल की हो, प्राचीन भारत की हो। और हमारे विषय का पाठ्यक्रम जो हम यहां पर अपना अध्ययन शुरू करेंगे वह शुरू करेंगे विश्व इतिहास से, वर्ल्ड हिस्ट्री से। और इसका कारण क्या होता है, क्योंकि विश्व इतिहास अगर आप वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो विश्व इतिहास में हुई घटनाओं का संपूर्ण विश्व पर प्रभाव रहेगा और उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। अगर हम औपनिवेशिक शासन की बात करेंगे, उपनिवेशवाद की बात करेंगे, तो भारत में भी कहीं ना कहीं आपको ब्रिटिश नीतियों के तहत
वह ब्रिटिशों का प्रभाव दिखेगा, वह उपनिवेशवाद दिखेगा, फिर गांधी का उदय होगा और गांधी किन नीतियों के तहत, फिर चाहे गांधी के अहिंसा की नीति हो, चाहे अनटू दिस लास्ट गांधी प्रभावित हो, और उस अनटू दिस लास्ट बुक से प्रभावित होकर, जो कि जॉन रस्किन द्वारा लिखी हुई किताब है, गांधी अंत्योदय या सर्वोदय की बात कर रहे हैं, गांधी संघर्ष विराम संघर्ष की नीति पर कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। विश्व इतिहास क्यों इतना महत्व रखता है इस प्रश्न पत्र में, और क्यों इस पूरे वैकल्पिक विषय को समझने में विश्व इतिहास हमारी मदद करता है, इस मूलभूत विषय वस्तु को समझने के लिए अगर आप एक बार सिलेबस पर या पाठ्यक्रम पर निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्व इतिहास में हुई घटनाओं का संपूर्ण विश्व एक साक्षी बना है, और संपूर्ण विश्व पर उस वैश्विक इतिहास के घटनाओं का प्रभाव और आज का जो आधुनिक विश्व आप देख रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। सामान्य शब्दों में समझिए कि आज के आधुनिक विश्व में चाहे विज्ञान एवं तकनीक की प्रगति हो, चाहे अर्थव्यवस्था की प्रगति हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम की प्रगति हो, इन सभी को समझने के लिए इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी विषय के भूतकाल की घटनाओं को आप पढ़ते उस विषय के इतिहास में ही हैं। विषय बदल जाता है, उसकी प्रकृति नहीं बदलती। इसको समझने के लिए कह देते हैं कि व्यक्ति वही है, कपड़े बदल लेने से उसकी पहचान नहीं बदलती। ऐसे ही यहां पर घटनाओं के अध्ययन में हम एक बात ध्यान रखेंगे कि घटनाएं बदलेंगी और उनका प्रभाव वर्तमान पर भी पड़ेगा। विश्व इतिहास में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम पुनर्जागरण की बात करते हैं, रेनेसा, और ये एक ऐसा समय यूरोप के स्तर पर जहां पर एक लंबे समय के बाद मानव की चेतना उदित होगी। चर्च की शक्तियों ने परमात्मा को केंद्र में रखकर मानव जीवन को पारलौकिक बना दिया, और मध्ययुगीन यूरोप में इसका प्रभाव यह हुआ कि मानव के अपने तर्क और विवेक को स्थान नहीं मिल रहा है, और जब मानव के अपने तर्क और विवेक को स्थान नहीं मिल रहा है तो ऐसी एक दशा में जो मानव है वह वैज्ञानिक प्रगति नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उस समय कुछ विचारकों का उद्भव होगा, और इस घटना को बल तब मिलेगा जब एक धर्म युद्ध में इस्लाम ईसाइयत को हरा देगा, और ये जो क्रूसेड होगा, जब ईसाइयत हार जाएगी और इस्लाम विजयी होगा तो धर्म की अपनी जंजीरें टूटेंगी और प्रश्न शुरू होंगे, जहां रूसो जैसे विद्वान ये कहते हुए दिखाई देंगे आपको कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और रूसो की यह बात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है। तो ऐसा क्यों है कि ये जो धर्म के लोग हैं, जो पंथ के लोग हैं, इन्होंने मानव की सोच को बांध कर रख दिया? ये वही रूसो हैं जिनके इस विचार के कारण कि प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है और मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, फ्रांस की क्रांति होगी। फ्रांस राजशाही से बाहर आने का प्रयास करेगा, अपूर्ण क्रांति होगी, परंतु उस क्रांति का प्रभाव वैश्विक होगा। आज आप अपने संविधान या भारत के महान संविधान को देखेंगे तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है वह उसी फ्रांस की क्रांति से आपको निकलती हुई दिखाई देगी। यह है रूसो के विचार, यह है प्रभाव। इसलिए विश्व इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रूसो जब राज्य की उत्पत्ति और सामान्य इच्छा का सिद्धांत देंगे तो उसी फ्रांस में जब उग्र गणतंत्रवाद के चरण में रॉबेस्पियर का जन्म हो रहा होगा तो रॉबेस्पियर रूसो के इन विचारों की गलत व्याख्या करेगा। ऐसा नहीं है कि रूसो के विचार गलत थे। अब यहां एक बात समझिएगा, और गलत व्याख्या जब रॉबेस्पियर करेगा तो तानाशाही स्थापित होगी, अर्थात
रूसो की कही हुई बात कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करती हुई दिखाई देगी, और फ्रांस की क्रांति से निकला हुआ वह बीज वह इटली और जर्मनी का एकीकरण करेगा, यूरोप की राजनीति में एक बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट आपको दिखाई देगा। और यह बदलाव ऐसा होगा कि अंततः प्रथम विश्व युद्ध तक हमको देखने को मिलेगा। स्थितियां तब भी नहीं सुधरेंगी, यूरोपीय देश दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन के लिए जा रहे हैं और स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि फिर चाहे फासीवाद हो चाहे नाजीवाद हो, इनका उदय होगा। क्योंकि जब हम परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व है वो किस प्रकार से दो खेमों में बटा, और हिटलर और मुसोलिनी के जन्म ने जहां इटली और जर्मनी के अपमान का बदला लेने के लिए इन दोनों लोगों ने कदम उठाए। राष्ट्रसंघ की भूमिका को हम देखेंगे कि उस समय के स्तर पर वह राष्ट्रसंघ की भूमिका क्या रही थी, किस प्रकार से राष्ट्रसंघ की भूमिका बदलते हुए आज संयुक्त राष्ट्रसंघ तक पहुंच गई। और इसी के साथ जो पॉलिटिकल विचार हैं, जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उनका जन्म होगा। तब आप समझ पाइएगा कि समाजवादी और पूंजीवादी ये अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार से बनी, ये समाजवाद आया कहां से। तो फिर उसमें हमें कार्ल मार्क्स के विचारों को देखने का मौका मिलेगा, और रूस की क्रांति जब सफल होगी तो समाजवाद की प्रतिस्थापना, और अंततः चीन की क्रांति, और रूस में जब पहली बार समाजवाद की क्रांति होगी तो बाकी पूंजीवादी जो यूरोपीय राष्ट्र हैं वो रूस के खिलाफ किस प्रकार से राजनीति करेंगे। और वैश्विक स्तर पर आज, अगर मैंने पहले ही कहा, इस विषय का अध्ययन करने का कारण ही यही है कि इतिहास समस्त विषयों को बांध कर रखता है। आज आप जो भी आधुनिक विश्व में देख रहे हैं वह सब कुछ इसी इतिहास की वजह से, और अंततः आप देख पाएंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव शुरू होगा, क्योंकि शीत युद्ध में कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस बचेगा और यूएसएसआर के छोटे छोटे देशों में अपने टुकड़े हो जाएंगे, अर्थात वहां पर भी लोकतांत्रिक एक राज्य की स्थापना होगी। अर्थात तानाशाही से लेकर समाजवाद से लेकर पूंजीवाद से लेकर हर एक विषय वस्तु को हम यहां पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फिर औपनिवेशिक राष्ट्रों के अंतर्गत जब औपनिवेशिक मुक्ति को हम देख रहे होंगे तो हम देख पाएंगे कि उपनिवेश वास्तव में अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उपनिवेश उस पके हुए फल की भांति होगा कि जब पकेगा वो उस डाल पर तो खुद ही वृक्ष से संबंध तोड़ लेगा। क्योंकि उपनिवेश में क्या होगा, जैसे जैसे औपनिवेशिक शक्ति विकास करेगी वैसे वैसे उपनिवेश में एक मध्य वर्ग का उदय होगा जो कि औपनिवेशिक विचारधारा को बताएगा वहां के लोगों को, उस शोषण को वो उजागर करके रख देगा, और अंततः उस औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ पूरा राष्ट्र एक होगा और राष्ट्रों की स्वतंत्रता शुरू होगी। और यह जब होगा तो तृतीय विश्व और गुटनिरपेक्ष आंदोलन यहीं से निकल कर आएगा। और अगर आप इसको और आगे जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा बांग्लादेश की समस्या हो, मुक्ति वाहिनी हो, लिट्टे की समस्या हो, आंतरिक सुरक्षा पढ़ना हो, सब कुछ इसी इतिहास से निकलता हुआ और जन्म लेता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि वर्तमान भूत की घटनाओं का परिणाम होता है, अगर भूतकाल में गलतियां की गई हैं तो वर्तमान में उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसे वैकल्पिक विषय के रूप में इसको क्यों चुना जाता है बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि इसका अध्ययन जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होता है तो कहीं ना कहीं इस विषय की जो महत्ता है वह समस्त विषयों को प्रभावित करते हुए समझने का हमें मौका देती है। दूसरा, इस विषय को जैसे ही आप अपने वैकल्पिक विषय के रूप में ऑप्ट करते हैं तो जर्नल स्टडीज फर्स्ट का एक बड़ा पोर्शन आप इस वैकल्पिक विषय के साथ ही खत्म कर लेते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उन चार प्रश्न पत्रों के स्तर पर आपके ऊपर एक भार कम होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए विषय की महत्ता के आधार पर, इस वैकल्पिक विषय की अपनी संपूर्ण महत्ता, नए बैच में जो कि हिंदी माध्यम में शुरू होने वाला है, जैसे ही आप जुड़ेंगे वैसे ही हम इस विषय की यात्रा के साथ
शुरू होंगे और पहला खंड होगा बेटा हमारा विश्व इतिहास, जहां पर मैं आपको एक बार बता दूं हम किन किन विषय वस्तुओं के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं चीजों को। तो पुनर्जागरण सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पुनर्जागरण के बाद हम प्रबोधन काल इनलाइटमेंट की बात करेंगे। प्रबोधन काल के बाद कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें अमेरिकी क्रांति को पढ़ना होगा। अमेरिकी क्रांति के बाद हम फ्रांस की क्रांति को महत्ता देंगे और अमेरिकी क्रांति पढ़ते हुए यहीं पर इसी के साथ हम अमेरिकी गृह युद्ध को भी पढ़ लेंगे। हालांकि ये 19वीं सदी की घटना, लेकिन यहां पढ़ लेने से हमें यह होगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहेगी। ठीक, इसके बाद औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के बाद हम इटली का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण प्रथम विश्व युद्ध, जहां पूर्वी समस्या की चर्चा करते हुए प्रथम विश्व युद्ध को हम डिस्कस कर रहे होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें चीन की क्रांति, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति के बाद आगे बढ़ते हुए इसी खंड में हम फासीवाद और नाजीवाद के उदय को देखेंगे। और फासीवाद और नाजीवाद के उदय के साथ विश्व एक बार फिर से द्वितीय विश्व युद्ध में आ जाए, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम चीन की क्रांति को पढ़ रहे होंगे। चीन की क्रांति के बाद हम उपनिवेशवाद को पढ़ेंगे और उसके बाद औपनिवेशिक मुक्ति, और इसको पढ़ने के बाद तब तक पैरेलल में जो घटना शीत युद्ध और इसके प्रभाव, इनको समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ सोवियत संघ का विघटन होगा और सोवियत संघ के विघटन के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो औपनिवेशिक मुक्ति से जो राष्ट्र उठेंगे तो तृतीय विश्व और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्भव होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बड़ा फेमस और कई विषयों में इसकी महत्ता। और अंततः हम जापान का औद्योगिकरण, जो कि उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना, इसके साथ अपने सिलेबस का एक खंड खत्म करेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण। अतः इस विषय को पढ़ते हुए न सिर्फ आप यह समझ पाएंगे कि घटनाओं का परिणाम क्या हुआ, बल्कि इस विषय की अपनी महत्ता क्या है। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच में एनरोल करें। ये बैच हिंदी माध्यम के लिए डेडिकेटेड इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए है, और इस विषय के अध्ययन को करते हुए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। और इतिहास को समझते हुए परीक्षा के प्रश्न पत्रों के स्तर पर हम बेहतर अंकों का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं नॉलेज के स्तर पर हम विषय वस्तु को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल करिए। आपने इस जानकारी को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।